नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप किसी दूसरे पर कितने दिनों तक जुल्म करेंगे, एक न एक दिन तो वो घड़ी आएगी ही जब कमजोर भी आपके खिलाफ रिएक्ट करेगा और कहेगा कि हम शोषण अत्याचार नहीं सहेंगे। ठीक उसी तरह चीन की बर्बरता के खिलाफ बीते 6 महीने से हांगकांग में प्रदर्शन जारी है और आंदोलन की आग की गर्मी अब अपना असर दिखाने लगी है। हांगकांग की आग चीन तक पहुंचने लगी है। यही वजह है कि चीन के लिए हांगकांग की इस आग को शांत करना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन इस मसले पर कई तरफ से घिरा हुआ है। बात दरअसल यह है कि अमेरिका समेत कुछ और दूसरे देशों ने भी हांगकांग के मुद्दे पर जब से चीन को नसीहत दी है तब से वो ज्यादा गुस्से में है और परेशान। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग में आंदोलनकारी लगातार प्रशासन पर हावी हो रहे हैं। बिजनेस हब कहे जाने वाले हांगकांग में फिलहाल मेट्रो, हवाई सेवा, शॉपिंग मॉल, सिनेमा तक सब कुछ पूरी तरह से बंद है। इतना ही नहीं, आंदोलनकारियों ने हांगकांग द्वीप को कोवलून जिले से जोड़ने वाली और हांगकांग की शान मानी जाने वाली क्रॉस हार्बर टनल को भी बंद कर दिया है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस टनल से हर रोज करीब लाखों गाड़ियां आती और जाती हैं। 1972 में बनी 4 लेन की ये सुरंग लगभग 2 किलोमीटर लंबी है। इसका सीधा असर यहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि हांगकांग की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के असर से चीन बच नहीं सकेगा। यहाँ पर ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि बीते एक दशक में पहली बार तीसरी तिमाही में यहाँ की GDP 3.2% पर पहुंच गई। हांगकांग की सरकार ने भी माना है कि शहर की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर में है और मंदी का सामना कर रहा है। चीन इस आंदोलन को दबाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया इसके लिए वीडियो का लगातार प्रचार कर रही है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की माने तो एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें एक शख्स आग की लपटों में घिरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हांगकांग की स्थिति कितनी खतरनाक है। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि चीन के एक प्रत्यर्पण कानून के विरोध में शुरू हुआ यह आंदोलन अब काफी व्यापक और उग्र हो गया है। इस कानून के तहत हांगकांग से अपराधियों को चीन भेजने और वहां पर मुकदमा चलाने का प्रावधान था। इस बिल का प्रारूप तैयार कराने और इसको पास करवाने में 2 लोग बेहद अहम थे। इनमें पहला नाम हांगकांग की नेता कैरी लाम का है तो दूसरा नाम उनकी मुख्य कानूनी सलाहकार टेरेसा चेंग का। लोगों के जबरदस्त विरोध के बाद बिल को वापस ले लिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों में गुस्सा बरकरार है और आंदोलन जारी है। पिछले दिनों कई दुकानों में आग तक लगा दी गई थी। इसके बाद आंदोलनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़पें हुई और अभी तक इस प्रदर्शन में 3 लोगों की जान जा चुकी है जिनमें 2 छात्र और 1 बुजुर्ग शामिल है। हांगकांग के लोगों की बात की जाए तो वो अब ये मानने लगे हैं कि चीन लगातार उनसे उनका हक और उनकी आजादी छीन रहा है। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन में आने वाले हांगकांग को रक्षा और विदेश मामले में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। हालांकि यहाँ की मुद्रा चीन की मुद्रा से अलग है। चीन में जहाँ युआन चलता है वहीं हांगकांग में डॉलर चलता है। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अब ये मामला विवादित बिल से कई आगे निकल गया है। अब हांगकांग के लोग अपने लिए चीन से पूरी तरह से आजादी पर आमादा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हांगकांग की पार्लियामेंट में वर्तमान में चीन समर्थक सांसदों का बहुमत है, लिहाजा उनका विश्वास सरकार से उठ गया है। अब लड़ाई चाइना लिबरेशन और हांगकांग की जनता के बीच हो गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, चीन झुकता है या आंदोलनकारी पीछे हटते हैं।